गलती से भी इन तीन राशि वालों को सोना धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप हो सकते हैं परेशान। इस वीडियो में मैंने यह जानकारी दी है कि ऐसी वह कौन सी तीन राशियां हैं जिनको सोना धारण करने से बचना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, नव ज्ञान ज्योतिष पर सभी दर्शकों का मैं मयंक त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी वृषभ लग्न है, यहां पे बात मैं राशि की नहीं लग्न की बात कर रहा हूं, तो लग्न आप जानते हैं प्रथम भाव में जो राशि पड़ी होती है वही हमारी लग्न होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर प्रथम भाव में दो नंबर लिखा है यानी कि यदि वृषभ लग्न है तो गलती से भी आप सोना धारण ना करें, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं, साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पे गुरु सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप सोना धारण कर सकते हैं अगर गुरु आपकी कुंडली में एकादश भाव में विराजमान हो, यानी कि अपने घर में, या अष्टम भाव में अपने घर में विराजमान हो तो आप सोना धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि तीसरे घर में अगर गुरु विराजमान हो तो भी आप सोना धारण कर सकते हैं, या द्वादश स्थान में यानी कि बारहवें स्थान में गुरु विराजमान हो तो आप सोना धारण कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। सोना आप कम से कम पहने, क्योंकि यहाँ पर गुरु इन चार स्थानों के अलावा जहाँ कहीं भी बैठेंगे उससे संबंधित आपको परेशानी उत्पन्न कर देंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यदि आपकी वृषभ लग्न है तो सोना पहनने की ज्यादा गलती ना करें, वरना आपको नुकसान होगा। जो दूसरी लग्न है वह है तुला, यह भी शुक्र की लग्न है, और यहां पर भी अगर देखा जाए तो तुला लग्न में भी गुरु पूर्णतः अकारक होते हैं। यहां पर जो गुरु हैं ये आपके तीसरे घर के स्वामी हो जाते हैं और छठे घर के यानी कि रोग के स्वामी हो जाते हैं। शुक्र के ये नैसर्गिक शत्रु हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, एक दैत्य गुरु हैं तो दूसरे देव गुरु हैं, तो यहां पर इस लग्न में भी ये सर्वाधिक अकारक हैं। यदि आपकी कुंडली में ये तीसरे घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं, साथ ही साथ यदि ये आपकी कुंडली में बारहवें स्थान में बैठे हैं तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा इनका रत्न धारण करने की गलती न करें वरना आपको परेशानी होगी। इसके अलावा कुंडली में कहीं भी गुरु बैठे हों तो रत्न आप धारण करने से बचे तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा ये जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को ये खराब करेंगे, उस भाव से संबंधित रिश्तों में दूरी आएगी, उस भाव से संबंधित जो शारीरिक अंग हमारा होगा उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि आपकी तुला लग्न है और लग्न में आपने देखा गुरु बैठे हैं दिग्बली होकर के, तो यहां पर आपको मानसिक अशांति देंगे, सर में दर्द रहेगा, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में भी कमी देखने को मिलेगी, तो यहां पर भी आपको गलती से भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। तीसरी जो लग्न हमारे पास है वो है मकर लग्न। यदि आपकी मकर लग्न है तो भी आप गलती से सोना न धारण करें, क्योंकि यहां पर भी जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो बारहवें स्थान के स्वामी हो जाते हैं, साथ ही साथ तीसरे स्थान के स्वामी हो जाते हैं। किंतु अगर ये अपनी ही राशि में बैठे हैं, अर्थात बारहवें घर में बैठे हैं या तीसरे भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ आप यह भी देख लें अगर ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन तीन जगहों पे जब ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग निर्मित कर देंगे। वहां पर तो ये बेनिफिशियल आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन इसके अलावा अगर ये कहीं पर भी बैठे हैं तो गलती से भी ज्यादा, क्या मैं तो कहूंगा आप बिल्कुल भी सोना धारण ना करें, अन्यथा आपको परेशानी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। संक्षिप्त में मैंने यह जानकारी दी कि किन लग्न वालों को सोना धारण नहीं करना चाहिए, किन राशि वालों को सोना धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये फेसबुक पेज पे आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे लाइक कर दें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। अगर कोई सार्वजनिक प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा,
मैं अवश्य रिप्लाई करने की यथाशीघ्र कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।